नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर सर्व ब्राह्मण समाज के खिलाड़ियों को आपस में जोड़ने के सतत प्रयास के तहत उदयपुर विप्र फाउंडेशन के द्वारा शहर के ठोकर चौराहे स्थित रेलवे ग्राउंड पर 21, 22, 23 जून को परशुराम यूथ प्रीमियर लीग की 3 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ पूर्वी देहात जिला अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने बताया कि संबंधित क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ ही पर्यावरण को संवारने और सजोए रखने के तहत एक पहल की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को विप्र फाउंडेशन की ओर से हरित क्रांति के तहत एक पौधा दिया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता के नियमों की बात करते हुए विप्र फाउंडेशन के अपेक्ष सदस्य दिव्या जोशी ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता में 20 टीमें भाग ले रही है। प्रत्येक मैच नॉकआउट पद्धति पर खेला जाएगा और प्रत्येक टीम को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। विजेता टीम को 5100 रुपये और उपविजेता टीम को 2100 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान विप्र फाउंडेशन से जुड़े पूर्वी देहरादून जिला अध्यक्ष सुनील पालीवाल, संरक्षक कुंतल जोशी, अनुराग शर्मा, अंजुल अर्जुन पालीवाल, दिव्या जोशी, जिला उपाध्यक्ष प्रियांश पालीवाल, जय पाठक, परिषद सिमाली, महामंत्री राहुल जोशी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। जय जय परशुराम। विप्र फाउंडेशन पूर्वी देहात युवा प्रकोष्ठ जिला उदयपुर की तरफ से 3 दिन का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 21-22-23 जून को रेलवे ग्राउंड ठोकर चौराहे पर करने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के युवाओं खिलाड़ियों को आपस में जोड़ने का एक सतत प्रयास करने का हम उद्देश्य से चले हैं। पहले दिन 6 से 8 मैच, दूसरे दिन भी 6 से 8 मैच और तीसरे दिन सेमीफाइनल, फाइनल मैच और समापन कार्यक्रम का आयोजन होगा। 21 तारीख को योग दिवस भी है, तो योग दिवस के सेशन से लेकर उद्घाटन कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें विशिष्ट अतिथि हमारे विप्र समाज के जो गौरव है वे वहाँ मौजूद रहेंगे। धर्मनारायण जी भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब, के जी भाई साहब, राधेश्याम जी सुखपाल भाई साहब और 23 तारीख को जो समापन कार्यक्रम रहेगा उसमें पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल आदरणीय जो साहब रहेंगे वो उपस्थित रहेंगे। 23 तारीख को सभी खिलाड़ियों को पौधे का वितरण किया जाएगा, जिसके हमारे फाउंडेशन की तरफ से ये उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक मैसेज युवाओं तक और समाज तक पहुँचे। विजेता रहने वाली टीम को किस तरह प्रोत्साहन दिया जाएगा? विजेता टीम वालों को, वैसे इसमें 20 टीमें हैं, 11 प्लेयर, 220 खिलाड़ी होते हैं, तो सभी खिलाड़ियों को हमारी समिति की तरफ से मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं मैच में। उसके बाद विजेता और विजेताओं को इनामी राशि भी हम दे रहे हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। अब एक दिन में 6 से 7 मैच खुलवा रहे हैं, तो 6 से 7 घंटे खिलाड़ी उसमें रहेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर? बिल्कुल, हमने खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था हमने की है, पूरा टेंट वगैरह और जो धूप से बचने के। देखो, जो ग्राउंड होता है उसमें खिलाड़ी तो उसमें तो कवर कर सकते नहीं है, वो तो प्लेयर जो होते हैं उनमें पेशेंस होता है। आज हम भी खिलाड़ी हैं तो हमारे अंदर पेशेंस है, जोश है कि हमको खेलना है, लेकिन हमने अल्पाहार उसमें हमने ऐसा किया कि एक एक घंटे का मैच रखा है। वैसे ज़्यादा टाइम तक खिलाड़ियों को मतलब यूँ है कि असुविधा नहीं होगी, और उनको बीच में जैसे 5-5 मिनट का गैप भी होगा, उसके अंदर उनको अपन पानी की व्यवस्था है, उसके अंदर वापस ग्लूकोन डी के पाउडर वो वाले बूस्ट का भी व्यवस्था हमने पूरी हमारी तरफ से 100% पूरा मतलब यूँ है कि मतलब खिलाड़ियों के जलपान अल्पाहार पूरी व्यवस्था रहेगी कि उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे, खिलाड़ियों को कोई भी समस्या।